क्राइम ब्रांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट 1 के तेजतर्रार इंस्पेक्टर पंकज अरोड़ा ने जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ कर एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा राजस्थान के पोखरण से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस की पहचान बीकानेर राजस्थान निवासी हबीब खान के रूप में हुई है। हबीब खान के पास से भारतीय सेना से जुड़े हाईली कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और भारतीय सेना क्षेत्र का एक नक्शा भी बरामद हुआ है। डीसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली मोनिका भारद्वाज ने बताया कि क्राइम ब्रांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट 1 को दिल्ली राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुछ व्यक्तियों के एंटी नेशनल एक्टिविटीज और जासूसी में शामिल होने के बारे में कुछ सीक्रेट इनपुट मिले थे। क्राइम ब्रांच को यह भी जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति काफी लंबे समय से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और सेना के कुछ अधिकारियों को पैसों के लालच देकर हाईली क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स एकत्रित कर रहा है। जांच के दौरान 11 जुलाई को एसआई लिछमन को अपने सोर्स से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि हबीब नामक एक व्यक्ति जो पाकिस्तान भी गया था एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है और सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा है, और यह भी पता चला कि ये एक्टिविटीज राजस्थान के पोखरण में हो रही हैं। छापेमारी करने पर इन जासूसों को रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। मामले की सेंसिटिविटी और सीरियसनेस को देखते हुए बिना समय गवाए एसआई लिछमन और इंस्पेक्टर पंकज अरोड़ा ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी से अवगत कराया। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए राजेश कुमार एसीपी की सुपरविजन और इंस्पेक्टर पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में एसआई लिछमन, एसआई उमेश सिटी, एसआई अबोध शर्मा, एएसआई परवीन, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल सुभाष, हेड कांस्टेबल दीपक की एक टीम बनाई गई। इन्फॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए टीम राजस्थान के पोखरण पहुंची और टेक्निकल सर्विलांस से सस्पेक्ट की पहचान की गई। क्रॉस वेरीफाइड करने के लिए मुखबिरों का सहारा लिया। सस्पेक्ट की पहचान हबीब उर रहमान पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी महासागर बस्ती स्कूल हरी सिंह एजेंसी के पीछे पोखरण राजस्थान के रूप में हुई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से सस्पेक्ट की पिन पॉइंट लोकेशन का पता लगाकर जांच के लिए उसे रोका तो उसके कब्जे से सेना से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। पूछताछ करने पर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका कि उसके पास ये दस्तावेज क्यों हैं या इन दस्तावेजों का स्रोत क्या है, और वो टाल मटोल करता रहा। सस्पेक्ट से मिले डॉक्यूमेंट्स को आर्मी हेडक्वार्टर से वेरिफिकेट करवाया गया तो पता चला कि यह इंडियन आर्मी से जुड़ी हाईली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। कन्फर्म होते ही क्राइम ब्रांच दिल्ली ने अंडर सेक्शन 3/9 ऑफिशियल सेकेट्स एक्ट 1923 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी हबीब उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आए। यहां खुफिया एजेंसियों ने भी हबीब से पूछताछ की है। इंटरोगेशन में आरोपी हबीब ने बताया कि वो फल और सब्जी का ठेकेदार है और पोखरण आर्मी एरिया में भी सब्जी सप्लाई करता है। सेना की कैंटीन में सामान सप्लाइंग के दौरान वो सेना के एक अधिकारी परमजीत के संपर्क में आया। पैसों के लालच में परमजीत ने आरोपी को आर्मी से जुड़ी कई जानकारियां और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए। आरोपी हबीब ने काबुल किया है कि वो इंडियन आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजता था। बदले में उसे पाकिस्तानी से पैसा मिलता था। इंडिया में पैसा उसे हवाला कारोबारियों द्वारा नकद में और इंडियन आर्मी की इन्फॉर्मेशन देने वाले सेना का जवान परमजीत के बैंक खाते में अलग अलग माध्यम से आया है। आरोपी ने इंट्रोगेशन के दौरान यह भी कबूल किया कि हाल ही में उसने इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारी वाली एक सीडी पाकिस्तान भेजी थी, इसके बदले उसे बहुत अच्छा पैसा मिला था। आगे की पूछताछ में उसने बताया कि वो साल 2019 में पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। आरोपी से इंडियन आर्मी के कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड लिखे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जांच के दौरान मोबाइल फोन में विभिन्न ऑब्जेक्शनेबल डाटा पाया गया। 41 वर्षीय हबीब उर रहमान राजस्थान के बीकानेर जिले का रहने वाला है और वर्तमान में पोखरण राजस्थान में रह रहा है। आरोपी ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। आरोपी ने अलग अलग धंधे में अपनी किस्मत आजमाई लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वर्ष 2009 में आरोपी बीकानेर से पोखरण राजस्थान में शिफ्ट हो गया, जहां उसने ठेकेदार के रूप में सब्जियां, फल और अन्य वस्तुओं की ठेकेदारी शुरू की। कुछ समय बाद उसने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर पोखरण आर्मी बेस कैंप को सब्जियां, फल, बर्फ और अन्य सामान की सप्लाई शुरू कर दी। चूंकि आरोपी नियमित रूप से पोखरण आर्मी कैंप का दौरा कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैंडलर ने पैसे का लालच देकर इंडियन आर्मी की कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाने को कहा। पैसे के लालच में आरोपी ने वहां तैनात एक सेना अधिकारी के साथ अपना रिलेशन डेवलप किया, जिससे वो पैसे के बदले संवेदनशील दस्तावेज प्राप्त करता था और उसे अपने हैंडलर को सौंप देता था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है,
रहें हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।